गिरिडीह से बड़ी खबर आपको बता दें, अंचल निरीक्षक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। तीसरी अंचल के सीआई गोपीनाथ का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि किस वजह से पैसे लिए जा रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है और न्यूज 11 भारत इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन साफ तौर पर विजुअल्स आप देख सकते हैं, यही वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तीसरी अंचल के सीआई गोपीनाथ का ये वीडियो है जो पैसे लेते इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, शायद आपने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अंचल निरीक्षक जो मास्क लगाकर कुर्सी पे बैठे हैं वो बड़ी सफाई से पैसे उठा रहे हैं। एक बार फिर आप ध्यान से देखिए किस तरह से हाथ से पैसा लेने से इनकार कर देते हैं, उसे टेबल पर फेंकता है वो आदमी और बाएं हाथ से बड़े ही सफाई से कागज बढ़ाते हैं दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से पैसा नीचे। ध्यान से देखिए, ये दाहिने हाथ से कागज बढ़ाया और बाएं हाथ से टेबल पर रखा पैसा उठाकर सीधे जेब में। ये अंचल निरीक्षक हैं, तीसरी अंचल के कार्यालय में कार्यरत सीआई गोपीनाथ हैं जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 11 भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता इसकी सत्यता की और पैसे किस वजह से लिए जा रहे हैं यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर सरकारी कार्यालय में इसी को ये अंडर द टेबल जो कहते हैं कुछ उसी तरह से कहावत को चरितार्थ करता है, ये दाहिने हाथ से कागज बढ़ाया और बाएं हाथ से टेबल पर रखा पैसा चुपके से नीचे सरकाया और फिर उसे जेब में डाल लिया। हमारे संवाददाता श्रीकांत और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, ये जो अंडर द टेबल कहा जाता है सरकारी कार्यालयों में काम करने का तरीका, वो इस वीडियो में दिख रहा है। इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी चाहेंगे, वायरल हो रहा है ये वीडियो। जी देखिए दीपक, ये अंचल निरीक्षक जो है उनका वीडियो सोशल मीडिया पर दोपहर से ही वायरल हो रहा है, जहाँ पर ये जो अंचल कर्मी है ये सीओ तीसरी अंचल कार्यालय में पदस्थापित है, गोपीनाथ नाम है इनका, जहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ पैसे के लेन देन को लेकर यह वीडियो वायरल है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि जो है वो हम भी नहीं करते हैं, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं क्योंकि अंचल कार्यालय से जुड़ा हुआ मामला है, जहाँ पर जमीन को लेकर या जमीन संबंधी जो भी कार्य होते हैं उस कार्य को किया जाता है। तो लोग जो है इस वीडियो को संदेश की नजर से भी देख रहे हैं। हालांकि सामने जो अंचल अधिकारी हैं उनसे भी बात किया तो उन्होंने कहा कि है कि उस पूरे मामले की जांच की जाएगी, अगर यह वीडियो की सत्यता पाई जाती है या घूस लेने की बात सामने आती है तो जो सीआई हैं इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन मामला चाहे जो भी हो लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो अगर वायरल हुआ है तो इसके पीछे का सच अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। श्रीकांत, जांच पड़ताल तो जो विभागीय कार्रवाई है वो चलती रहेगी, लेकिन जो देख कर कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि कागज अंचल निरीक्षक के हाथ में है, पैसा टेबल पर आता है तब वो कागज आगे बढ़ता है, तो क्या ये कागज को आगे बढ़ाने के लिए कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पैसे लिए जाते हैं ये समझा जा सकता है इस वीडियो को देखकर, क्या ये गलत है? ये देखिए, ये वीडियो जैसा कि आपने कहा वो बिल्कुल सत्य है कि जो आम बोलचाल में भाषा है या लोग जिस तरीके से चक्कर लगते हैं दफ्तरों के, परेशान रहते हैं अपने जमीन का मोटेशन हो या फिर उसका दाखिल खारिज हो या फिर उसका रसीद कटवाना हो, इन सभी कागजात के लिए बाबुओं के टेबलों के चक्कर लगाते लगाते गरीबों के पैरों के चप्पल तक खींच जाते हैं, पर किस तरीके से फाइल लेना या फिर पैसा लेना ये सब जब जाहिर है तो लोग इसीलिए इस वीडियो को उस लिहाज से भी देख रहे हैं कि तो उनके हाथ में कागज है और पैसा है। अब चूंकि विभागीय बात है तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन यह वीडियो जो है वो साफ साफ कह रहा है कि आखिर यह वीडियो खुद अपनी दास्तान बता रहा है। बिल्कुल, क्या संभावना है कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि ये पल इन इन लेन देन की तस्वीरें भले कैमरे में कैद हो गई हो लेकिन इस तरह की शिकायतें तो पहले भी आती रही होगी,
ये तो प्रथा है, कहा जाता है कि सीओ कार्यालय में यही प्रथा है, बिना नोट के कागज आगे बढ़ता ही नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो प्रथा की बात होती है आम सार्वजनिक जो दिनचर्या है उसमें कि बिना टेबल के अंदर या टेबल के ऊपर से लिए या दिए कुछ काम हो नहीं पाता है, गरीब चक्कर लगाते हैं। और जांच की जहां तक बात है तो वो आप भी समझ सकते हैं कि जांच का रिजल्ट क्या आता है और जांच टीम अगर गठित होती है तो उसका पैमाना क्या होता है और जांच के नतीजे कब तक आते हैं ये देखने का विषय है। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इस वीडियो ने अंदर की सच्चाई को बाहर ला दिया है। चलिए, नजर बनाए रखिए श्रीकांत, कोई कार्रवाई होती है तो अपडेट हमें जरूर कीजिएगा इस मामले में। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बार फिर आपको बता दें कि न्यूज 11 भारत इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, पैसे लेने की वजह भी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन जो चर्चा का बाजार गर्म है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि ये अंचल निरीक्षक जो सीआई गोपीनाथ हैं, तीसरी अंचल कार्यालय में कार्यरत, इनके टेबल से फाइल आगे तभी बढ़ती है जब नजराना चढ़ता है और ये रोज का काम है, ये पल कैमरे में भले कैद हो गया हो, ये लोग कह रहे हैं।